हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, 24th जैन शिफ्ट वन का। एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। ये स्टेटमेंट वन हो गया। स्टेटमेंट टू देखिए, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट is more than his or her weight when the elevator goes down with increasing speed। increasing speed बोलने का मतलब accelerate करना हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो बोला गया ना हम लोगों से, उसके बारे में इसको डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एलिवेटर है, ठीक है, तो मान लीजिए ये एलिवेटर अगर यूनिफॉर्म स्पीड से या कॉन्स्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है, चाहे अपवर्ड में चाहे डाउनवर्ड में, किधर भी जा रहा, बट अगर यूनिफॉर्म स्पीड है ना, v है और v इसका कांस्टेंट अगर है, ठीक है, तो इसमें जो वेट होगा ना, वो इसके केबल के टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केबल है, तो इस केबल में टेंशन लगेगा और यहाँ पर लगेगा mg, जो भी वेट होगा यहाँ पर mg लगेगा। तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, t is equal to mg। अब ये तो ठीक है ना, बट अब यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, देखिए क्या, कि अगर एलिवेटर, यहाँ पर बोला गया कि अगर एलिवेटर एक्सेलरेट करे डाउनवर्ड में, क्योंकि इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब एक्सेलरेट करना हुआ, तो अगर एक्सेलरेट करे डाउनवर्ड में, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये डाउनवर्ड में एक्सेलरेट कर रहा है, इधर में mg हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैन खड़ा है ना, उस मैन का वेट बोल रहा है कि क्या होगा, तो मैन पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड में, उसका वेट कहाँ लगा, mg डाउनवर्ड में, ठीक है, और ये एक्सेलरेट भी कहाँ कर रहा है, डाउनवर्ड में। तो हम लोग क्या यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, ओके। अब यहाँ पे जो एपरेंट वेट होता है, ठीक है, देखो एक्चुअल वेट तो mg हो गया है ना, मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, तो एक्चुअल वेट mg है, बट जो एपरेंट वेट है वो क्या है, नॉर्मल है, ओके। तो यहां से n क्या मालूम होगा हम लोगों को, mg माइनस ma, ठीक है, mg माइनस ma। तो अगर मैं यहां से mg कॉमन कर लूं, तो यहां पर क्या आएगा, 1 माइनस a बाई g हम लोगों को मालूम होगा, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहां से कि ये हो गया एक्चुअल वेट w और ये 1 माइनस a बाई g, या फिर यहां भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल वेट में से कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है ma, तो जो भी हम लोग को यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो कम मिलेगा एक्चुअल वेट से, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है, स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जा रहा है और स्टेटमेंट टू फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला जो गया ना बच्चों कि मोर देन वेट, ये मोर देन वेट तो नहीं आ रहा है ना, लेस देन आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो मोर देन वेट नहीं आ रहा, इसलिए स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर।